अमेजॉन प्राइम वीडियो का मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज यानी कि मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले मिर्ज़ापुर सीज़न 3 का एंडिंग एक्सप्लेनेशन, वो सभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि उसके आखिरी में क्या हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ और सीज़न 4 कब आ सकते हैं वो सभी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको स्पॉइलर मिलेंगे मिर्ज़ापुर सीज़न 3 को लेकर। तो आप लोगों ने अगर मिर्ज़ापुर सीज़न 3 देख रखा है तभी आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना आप लोग वीडियो यहीं पर बंद कर दो। चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के एंड में होता यह है कि पंकज त्रिपाठी ने शरद शुक्ला और बाकी जितने भी बाहुबली थे जो मीटिंग में थे उन सभी को मार देते हैं पुलिस की सहायता के द्वारा। उसके बाद पंकज त्रिपाठी सीधा जाते हैं अपने पत्नी बीना से मिलने। उसके बाद वो जाते हैं सीधा जेल, जहाँ पर गुड्डू त्रिपाठी को पकड़ के रखा था पुलिस वालों ने। लेकिन वहाँ गुड्डू त्रिपाठी कैसे भी करके भाग जाता है पॉलिटिशियंस की मदद लेके। उसके बाद गुड्डू त्रिपाठी मिलता है गोलू से, जो गोलू लापता थी। गुड्डू को पता नहीं था कि गोलू जिंदा है। ये इस सीज़न के मिड में दिखलाया गया था कि बाकी सभी लोगों को पता चल गया कि गोलू मर गई है, लेकिन गोलू मरी नहीं थी, इसे विजय वर्मा ने किडनैप करके रखा हुआ था। विजय वर्मा ने इसे क्यों किडनैप करके रखा था वो सब तो आप इस सीज़न को देख के ही पता कर लेना। बाकी सभी बात तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। इसके एंड में होता है कि मकबूल, जो कि सीज़न 1 और 2 में आपने देखा होगा, वो सीज़न 3 के सिर्फ एंडिंग में है और उसका सिर्फ थोड़ा सा झलक होता है। आपने सीज़न 1 और 2 में जो एक बाइक देखी थी जिसे मुन्ना खूब मजे लेते थे, वो आती है मकबूल से मदद मांगने कि मकबूल तुम्हें हाँ भाभी बुला रही है बीना देवी। तो उसके बाद ये सीज़न यहीं पे एंड हो जाता है। अब आप लोग सोचोगे कि सीज़न 4 कब तक आ सकता है, तो मैं बता सकता हूँ सीज़न 4 1-2 साल तो कम से कम लगेंगे, क्योंकि पूरा स्क्रिप्टिंग होगी, शूटिंग होगी, फिर एडिटिंग, ऐसे करते करते कम से कम 2 साल तो लगेंगे। क्योंकि मिर्ज़ापुर सीज़न 3 को आने में टोटल 4 साल लग गए थे। इसको अगर ये मिर्ज़ापुर सीज़न 3 बहुत ही बड़ा हिट होता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा चांस होगा कि जल्दी आ जाए। अगर इसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है अमेजॉन प्राइम पे तो ये थोड़ा लेट ही आएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मिर्ज़ापुर सीज़न 3 देख लिया तो आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि आप लोगों को ये सीरीज कैसा लगा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कौन कौन से अच्छे पॉइंट थे वो बता देना। अगर आपको बुरा लगा तो कौन कौन से पॉइंट जो थे आपको अच्छे नहीं लगे इस सीरीज में वो सभी बता दो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये मेरा पहला एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो था किसी भी टॉपिक पर, तो अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी अच्छी नहीं लगी हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ये मेरा पहला एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो था, इसलिए मैं थोड़ा हकला भी रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर।